हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सूर्या है और आप देख रहे बॉलीवुड क्रेजीज। चाहे इंडिया की रीजनल फिल्में हो या बॉलीवुड हो या कोई और फिल्में हो, किस तरह से ये सब फिल्मों ने इंडिया के बाहर कमाल किया, कुछ अच्छी सी लिस्ट आई है वो मैं बता देता हूँ, जिसमें दंगल भी इंक्लूडेड है। तो देखना ये लिस्ट प्रॉपर। इसका लिस्ट है रमेश बाला ने दी है 2017 में हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन मूवी इन, यानी कि इंडियन मूवी कहाँ कहाँ पे ज़्यादा कमाई की है, कौन कौन सी कंट्री में और किस मूवी ने किया है, वो लिस्ट है। दंगल ने सबसे ज़्यादा कमाई की है 2017 में चाइना में, बाहुबली 2 ने सबसे ज़्यादा कमाई की है यूएसए में, और यूके में सबसे ज़्यादा कमाई है टाइगर जिंदा है ने, फ्रांस में ज़्यादा कमाई की है मर्सल ने। ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है जो बढ़िया है, मर्सल ने सबसे ज़्यादा फ्रांस में कमाई की है। नॉर्वे में सबसे ज़्यादा कमाई की है शाहरुख खान की फिल्म रईस ने, और स्पेन में सबसे ज़्यादा कमाई की है बाहुबली 2 ने, यूएई में सबसे ज़्यादा कमाई की है बाहुबली 2 ने। ये एक बड़ी बात है, और यूएई का कलेक्शंस अभी हाल फिलहाल में ही है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक दो दिन में बीट हो जाएगा अगर हम हिंदी वर्जन की बात करें तो। अदरवाइज ओवरऑल पूरे वर्जन की बात करें तो मुश्किल है बीट करना। मलेशिया में बात करें तो मर्सल चल रही है, ताइवान में दंगल, ऑस्ट्रेलिया में बाहुबली 2, न्यूजीलैंड में बाहुबली 2। यानी कि देखा जाए तो दुनिया भर में जो इंडियन फिल्में चली है, चाहे वो साउथ की हो चाहे बॉलीवुड की हो, उसमें से साउथ की फिल्मों ने ज़्यादा बाजी मारी है। और इंडिया की कोई फिल्में अगर उभर के थोड़ी बहुत आई है तो दंगल एक ले लीजिए, टाइगर जिंदा है ले लीजिए, और रईस ले लीजिए। अदरवाइज साउथ फिल्में, वो भी एक फिल्म बाहुबली 2, सब पर भारी पड़ती नजर आ रही है। ये लिस्ट थी 2017 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन मूवी इन डिफरेंट वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़। तो कैसी लगी आपको ये लिस्ट जरूर बताइए। ओवरऑल वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए फिलहाल इतना ही, बाय बाय।